चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी न्यूज़ स्टाइल। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दुर्गा पूजा मेकअप लुक, जो कि बहुत बोल्ड है। आप किसी भी आउटफिट के साथ ये वाला मेकअप लुक वेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपना जो बाल है उसको टाई कर रही हूँ ताकि वो मेरे मतलब मेकअप के बीच मुझे डिस्टर्ब ना करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ पे स्किन केयर के लिए यूज़ कर रही हूँ टोनर, एंड ये है प्लम का टोनर, ग्रीन टी टोनर। जिसका कॉम्बिनेशन स्किन है उसके लिए ग्रीन टी टोनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब एक बार ट्राई करके देखना। नेक्स्ट, मैं प्लम का ही ग्रीन टी मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि ये एकदम ख़त्म ही हो चुका था, मुझे फिर से ऑर्डर भी करना होगा। तो इसको मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी, उसके बाद मैं 2 मिनट तक रुकूँगी। नेक्स्ट, मैं फाउंडेशन के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NIV का फाउंडेशन स्टिक। इसका जो शेड है मैं भूल गई हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेड मेंशन कर दूँगी, आप जाके वहाँ से चेक कर लेना। इसको मैं मेरी जो फाउंडेशन ब्रश है उससे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। गाइस, ये अफोर्डेबल बजट में बहुत ही अच्छा कंसीलर है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसमें मेरा शेड शायद 03 है, मैं फिर भी देख के मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको भी मैं वही ब्रश से अच्छे से एकदम ब्लेंड कर दूंगी। नेक्स्ट, हम लोग सब कुछ सेट करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे मेबलिन का फिट मी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है आइवरी बेज, एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे यूज़ कर दूँगी ताकि सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए। नेक्स्ट, मैं आईब्रो के लिए यहाँ पे SFR का वो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, एंड इसका जो शेड है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी आईब्रो के लिए, लेकिन ये ख़त्म हो गया, पता नहीं मैं सेम शेड कहाँ पे लाऊंगी। और अगर आपको आईब्रो कैसे फिल करना है, फुल वीडियो देखना है, ट्यूटोरियल तो मेरे चैनल पे है, मैं नीचे उसको मेंशन कर दूंगी वीडियो का लिंक। ओके, तो आईब्रो डन है, अब हम लोग करेंगे आई मेकअप। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पैलेट यूज़ कर रही हूँ। गाइस, इस पैलेट का नाम मुझे पता नहीं, ये मेरा बहुत मतलब छोटी थी तब का है, तो आई एम सॉरी। तो यहाँ पे वो वाला शेड को मैं अच्छे से क्रीज के नीचे नहीं लाऊंगी, बस क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। उसके बाद SFR पैलेट से ये वाला ब्राउन शेड को लेके मैं एक डोम ब्रश ले रही हूँ, पेंसिल डोम ब्रश, एंड उसको अपने जो क्रीज लाइन है वहाँ पे अच्छे से प्लेस कर दूंगी। इसको हम लोग ब्लेंड नहीं करेंगे, बस अच्छे से इसको हम लोग को प्लेस करना है, ब्लेंडिंग नहीं करना है, ठीक है, बस प्लेस करना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट, मैं एक कट क्रीज के लिए कंसीलर को लेके मतलब जो फाउंडेशन है उसको लेके फ्लैट ब्रश पे अच्छे से अपने जो क्रीज है उसको कट कर दूंगी, ताकि मैं इसके बाद जो शिमर शेड अप्लाई करूँ उसका जो मतलब पिगमेंटेशन है बहुत अच्छे से आए। ओके, तो फ्लैट ब्रश को लेते हुए मैं वही पैलेट से दोनों जो गोल्डन शेड है मैं आपको दिखाऊंगी, ये वाला और ये वाला गोल्डन शेड को लेके मैं अब पिगमेंटेशन देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है, अपने जो कट क्रीज है वहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगी, एंड सब कुछ अच्छे से एक बार फिर से ब्लेंड कर दूंगी। जो शेड मैंने क्रीज पे अप्लाई की थी उसको ही मैं थोड़ा सा आउटर हिप पे अप्लाई करते हुए सब कुछ ब्लेंड कर दूंगी। नेक्स्ट, हम लोग काजल के लिए यूज़ करेंगे Elitin का काजल, एंड इसमें क्या बोलना, आप सबको ही पता है कि काजल कहाँ पे यूज़ करना है। मैं इसको बस अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर दूंगी, लोअर लैश लाइन पे नहीं, बस मुझे वाटर लाइन पे इसको अप्लाई करना है। उसके बाद एक स्मजर ब्रश के हेल्प से मैं ये वाला जो काजल है उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी,
ताकि एक मतलब लोअर लैश लाइन पे एक थोड़ा सा बोल्ड लुक आए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो मतलब लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा वही शेड को अप्लाई कर दूंगी जो क्रीज पे अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, इसका नेम मैं भूल गई मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। ओके, इसको हम दो तीन कोट अच्छे से अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मैंने सोचा था कि मैं फॉल्स लैशेस अप्लाई करूँगी, लेकिन मुझे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो मैंने छोड़ दी। नेक्स्ट हम जो है ना लैक्मी का लाइनर, इंस्टा लाइनर जो सबके पास होता है, वही मैं अप्लाई करूँगी। थोड़ा बहुत ही पतला सा विंग मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगी। ओके गाइस, नेक्स्ट यहाँ पे मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टूरिंग की ज़रूरत है, वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मुझे पसंद है वो वाला जो चीजल्ड लुक होता है ना फेस का, एकदम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने जो चीक है एंड जो नोज है उसको कॉन्टूरिंग कर दूँगी। नेक्स्ट हम लोग ब्लश यूज़ करेंगे एंड ब्लश को मैं कॉन्टूरिंग के एकदम ऊपर अप्लाई करूँगी। एप्पल ऑफ दी चिक पे अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि एप्पल ऑफ दी चिक पे अप्लाई करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा मतलब फेस थोड़ा सा हेवी हेवी लगता है। एंड अब कॉन्टूरिंग के जैसे ही ब्लश को अप्लाई करेंगे उसके थोड़ा सा ऊपर, तो बहुत ही एकदम फ्लॉलेस लुक आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर का जो क्लिप था मुझसे डिलीट हो गया, मैं शायद स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यहाँ पे यूज़ कर मतलब करी थी। एंड गाइस, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद आप मेरी वॉइस से मतलब समझ भी पा रहे हो कि मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा फीवर है, उसके साथ कोल्ड भी है, कफ भी है, तो पता नहीं मैं कब तक ठीक होंगी। मुझे और भी एक शूट करना है जो कि एक मतलब ट्रेडिशनल लुक है, मैं बहुत जल्दी करूँगी। मेरा तबीयत ठीक नहीं भी हो फिर भी मैं करूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैं इनसाइड का लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड शायद रेड अलर्ट ऐसा कुछ था, मैं फिर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप देख लेना। एंड ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ गाइस, बहुत 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 पसंद आया मुझे, बहुत कंफर्टेबल है। एंड जो रेड शेड का प्रॉब्लम होता है कि वो स्टेन छोड़ता है, ये नहीं छोड़ता है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत लाइट वेट है एंड बहुत मैच भी है, तो ज़रूर ट्राई करना। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। चलो ले चले तुम्हें।